बनाने के अलावा फिलहाल एक और भी yeah, I I क्रोशे से भी से शुरुआत करते हैं एकदम आप आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए एक इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे को आपके बारे में पता है और जो मैं हमेशा फैसिनेटेड रहा हूँ जिस चीज से मैंने ऐसा पहले कभी एग्जांपल देखा ही नहीं है ऐसा कोई रोल मॉडल देखा ही नहीं है जिन्होंने डेंटिस्ट डेंटिस्ट की है मेडिकल एजुकेशन में पढ़ाई भी और फिर डिजाइन किया है आप बताइए कुछ इसके बारे में हाँ तो ये क्वेश्चन तो काफी सारे लोगों ने पूछा है और इसका जवाब हर बार ना कुछ नया ही होता है <laughs> तो बट हाँ मतलब आ, मैं शायद अकेला ही हूँ जो कि मेडिकल फील्ड से आया है में। तो बाकी डॉक्टर्स वगैरह हैं एज ए फैकल्टी बट एज ए स्टूडेंट आई थिंक आई वो तो काफी इंटरेस्टिंग रहा मतलब एक्सपीरियंस

जो मेडिकल साइंस है वो काफ़ी आर्ट रिलेटेड है क्योंकि वो काफ़ी विजुअल होता है जैसे कुछ सब्जेक्ट्स से एन आर्टी है और ये सब है सर्जरी वगैरह उसके लिए एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए विजुअल uh, सेंस होना चाहिए यू यू कैन शुड बी आइडेंटिफाइंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स तभी आप ऑपरेट uh, कर सकते हो तो मुझे लगता है कि तो काफ़ी ड्राॅइंग में करता था मैकमिकल स्ट्रक्चर्स और चीज़ की तो मुझे लगता है कि वो चीज़ uh, थी और बचपन से भी मतलब uh, तो मैं इन ड्रॉइंग में इंटरेस्टेड रहा हूँ तो मुझे लगता है कि आ, वो एक तरह से बात बनता गया और जब मुझे ये फिल्म और ये सब लोगों को मैं देखता हूँ तो मुझे मालूम पड़ा कि जा, आ, आर्ट भी करके एक होता है डिसिप्लिन जिसको परस्यू कर सकते हैं बट उससे मैं ना ओपन नहीं था ज़्यादा कुछ जैसे मैंने जे जे के लिए भी सोचा कि मैं कुछ कोर्स कर लूँ वहाँ पर बट वहाँ पर मेडिकल और इंजीनियरिंग से ओपन एलिजिबिलिटी नहीं थी

तो uh, उस समय था कुछ कुछ तो मैंने दोनों में किया कुछ तो एंट्री कर रहे थे में, जब आपको एनआईडी के बारे में पता चला और एनआईडी में यहाँ पे आपका प्रीवियस काम भी देखते हैं और पूछते भी हैं कि आपने पहले क्या किया है तो आप, आप क्या बताया फिर आपने आपके ड्रॉइंग स्केचेस वगैरह बताया हाँ तो मेरे पास मैं काफ़ी सारे काम जो मैं ना साथ में कर रहा था जब मैं मतलब डेंटिस्ट्री भी कर रहा था तो साथ में मैं ना कुछ ना कुछ करते रहता था फोटोशॉप पे और उस समय जो भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल थे मैं जनरेटिव आर्ट बना रहा था क्योंकि मुझे फ्रैक्टर्स बनाने में काफी इंटरेस्ट था वो तो मैं वो कर रहा था तो वो सब जो भी कुछ मेरे पास था वो मैंने ले के गया और फिर मेरे पास भी फोटोज उस थे मेरे उसका लिया और उसका मैंने बेसिकली पोर्टफोलियो बनाया तो आपका फैमिली बैकग्राउंड तो, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है आपके घर में कौन कौन क्या क्या करते हैं तो आ, मेरी दीदी हैं और उनकी भी शादी हो गई है तो उन्हें बॉटनी किया हुआ है मुझे बॉटनी भी काफ़ी इंटरेस्ट था जब मैं डेंटिस्ट्री करा था तो मैं उनकी बुक भी पढ़ता था तो वो महफे मम्मी है जो कि जॉब कर दी गवर्नमेंट सर्विस में और आ, पापा पास्ड अवे मैं जब छोटा था एट्थ में था तब तो हम लोग ही हैं भाई मेरे और मम्मी आप स्कूल में थे क्या बच्चे एकदम हाँ स्कूल की बात करें देखो तो, तो मेरा बेसिकली बचपन है वो पिपरिया में पचमढ़ी के पास में like तो वो मतलब नाइनटीज में काफी मतलब आप कुछ ज्यादा था नहीं ठीक है तो मैं पहले शुरुआत में मेरा जो एडमिशन था वो एक स्कूल में हुआ हिंदी मीडियम स्कूल में ठीक है वहाँ पर वो लोग दरी पे बिठा के पढ़ाते थे तो वहां पर एक साल मैं कुछ पढ़ा होगा और फिर के जी टू में ना मुझे मेरी जो क्लास टीचर थी उन्होंने बोला कि नेक्स्ट स्कूल खुला है जो की इंग्लिश मीडियम है और सब लोग अभी वहां पर तुम जा सकते हो तो फिर मैं वहां गया तो वो केवल एक सिंगल एक बिल्डिंग थी घर जैसा था और जिसमें केवल के जी वन के जी टू और नर्सरी केवल तीन क्लासेस उस समय ठीक है और फिर वहां पर लेकिन वो काफी स्ट्रिक्ट स्कूल था मतलब डिसिप्लिन काफी टाइट था वो तो काफी उस तरह से मतलब फिर धीरे करके क्लासेस बढ़ते है इसमें आगे आगे मतलब जैसे जैसे आगे अ, मैं क्लास थ्री फोर फाइव तो मैंने लगभग सिक्स तक मैं वहाँ पढ़ा फिर पापा का ट्रांसफर बाड़ी हो गया तो फिर हम लोग फिर अ, एक दूसरी जगह गए जो कि रायसिन के पास में है। तो ऐसे क्योंकि पापा का जॉब ऐसे मतलब गवर्नमेंट सर्विस में था इंज, आ, सब इंजीनियर थे वो तो उनका तवा जो डी प्रोजेक्ट है ना उससे रिलेटेड जगहों में होता था तो जितने भी ये सब जगह होती ना जैसे तवा कॉलोनी थी पिपरिया में और फिर बाद में पहाड़ी में भी जो कॉलोनीस होती है ना क्वार्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट वो काफी ऐसी जगह पे होते हैं जो कि आसपास काफी नेचर होता है एक्सपोल ऑफ थिंग्स मुझे लगता है कि बचपन के हिसाब से ना वो काफी सही जगह है मतलब प्री इंटरनेट वहाँ पर कुछ नहीं था कंप्यूटर वगैरह तो इंटरटेनमेंट के लिए बेसिकली जो आसपास चीजें थी खेलने के लिए जगह थी काफी मुझे लगता है कि वो काफी सही रहा है गुड प्लेस टू बी During योर चाइल्ड हुड मुझे लगता है कि जो चाइल्ड हाँ सॉरी सॉरी आप कंटिन्यू कीजिए प्लेस हाथ में मतलब कि चाइल्ड जो है वो काफ़ी रिलेटेड है प्लेस है कि जब अपन प्ले की बात करते हैं तो अपन बचपन में देखते हैं अपन क्या 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 करते थे तो लगता है कि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एनी बडी वो इज क्रिएटिव तो वहाँ से चीज़ें मतलब काफ़ी कनेक्टेड होती हैं तो मैं वही बता रहा था जैसे कि मैं अभी भी ना जो आसपास वहाँ पर मिलती है वो कलेक्ट करता था और कुछ, कुछ था। पर थी तो उसमें तो मतलब हाँ। तो से तो वो निकलते हैं तो मेरे को जो फैसिलेटिंग लगता था वो और मैं ऐसे राउंड स्टोन कलेक्ट करता था जो ऐसे जो रिवर बेड के आसपास मिलते हैं ना पेबल्स 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 राइट तो ये सब चीज़ें मतलब ये सब ऐसे प्ले मटेरियल आई यूज टू कलेक्ट राइट right. ये मैं इसलिए पूछ रहा था आपको क्योंकि उसे मेरे को जानना था मतलब आपके फैमिली में सब लोग टेक्निकल एजुकेशन में हैं गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो फिर ये hmm. आपका भी ग्रेजुएशन होने के बाद में आपके अंदर ये आर्ट्स का आर्ट्स का कीड़ा बोलते हैं ना उसका आर्ट्स का कीड़ा आया कहाँ से आपके अंदर हाँ तो पापा आप तो स्ट्रिक्ट है और दीदी में भी मैं मम्मी थोड़ी क्रिएटिव है तो वो लिखती है और वो फोटोग्राफी भी करती थी जैसे उस समय ना जो कॉलोनीस होती है ना उसमें ना वो होते हैं गणेश उत्सव और अलग अलग तरह के वो जो रिलीजियस सेराम होती है ना तो उसमें वो कॉम्पिटिशन होते हैं ना तो वो हम लोग को तैयार करती थी और मतलब जो हम लोग के ड्रेसिस होते थी वो फोटोग्राफी तो जो भी था तो उससे काफी मुझे आ, एक वो मिला मतलब तो बोलते हैं कि तो मैं चीजों को तोड़ता था तो मैं बहुत पिटता भी, पढ़ाई भी में 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 था पढ़ाई मेरा ज़्यादा इतना नहीं काम करते हो आपका काम और हमारे श्रोताओं के लिए हमारे लिए इनका काम का काम मैं लिंक्स में डाल दूंगा यहाँ पे आप इनका काम चेक कर सकते हैं तो जैसा मैं देख रहा था कि मतलब काफ़ी एक्सपेरिमेंटल है आपका काम मैं देख रहा था कि आपका काम साइकटलिक बोलते हैं तो साइकटलिक की तरफ है और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हो आप ये सब आप कैसे करते हो मतलब ये सब मैं जब देख रहा था तब तो मेरे को समझा कि टॉय एंड गेम डिजाइन का जो कन्वेंशनल डेफिनेशन है जहाँ पे हम टॉयज और गेम से डिजाइन करते हैं आपका उससे काफ़ी अलग और एक्सपेरिमेंटल काम है तो हाँ तो हाँ हाँ तो मुझे ना ज्यादा से जब भी मैं बस बचपन में जो गेम्स जो मैंने खेले ना वो ट्रेडिशनल नहीं है मतलब जैसे कि अगर जो ये लेडर मैंने खेला बट तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आया मुझे वो उस तरह की चीज़ों लेगो हुआ या फिर जो वो मैकेनिक्स होता था जिसमें अलग अलग तरह के टूल्स आते थे और वो कनेक्ट कुछ उस तरह से कनेक्ट करके कुछ स्ट्रक्चर बना रहता था तो उस तरह की चीजों में मुझे काफी इंटरेस्ट था फिर बचपन में मैंने वो देखी थी होम व्यू एक मूवी थी ठीक है तो उसमें ना काफी वो, वो जो बच्चा रहता है ना वो किस तरीके से अलग अलग टेक्निक्स यूज करता है टू सेव इज आउट तो वो आ, मैं अपने बैक यार्ड पे ना अलग अलग कॉन्ट्रेस्ट बनाता था जैसे कि रस्कियाँ हुई या कुछ भी ऐसा चीज़ें मेरी उससे कुछ कुछ करता रहता था मतलब यू नो आई टू प्ले इन साइड माई हेड पेंटेप्सी प्ले या बोलते हैं तो ये सब करता था तो मैं जो एक वो था कॉम्पिटेटिव जो गेम्स होते हैं मेरे को तो उसमें था उसमें इंटरेस्ट नहीं आता मतलब जिसमें ज्यादा लोग होते थे और विनिंग और लूजिंग वाला जो एक आइडिया होता है उस तरह के जो मैकेनिक्स होते हैं तो जिसमें एक्सप्लोरेशन हो पजल हो तो ये सब मुझे इंटरेस्ट करता था mm -hmm. तो वो एक चीज है और साथ में विजुअल्स काफी इंपॉर्टेंट है विजुअल्स mm -hmm. तो अभी भी मैं देखता हूँ आई गेट फैसिनेटेड बाय ऑल थिंग्स तो एक वो है और, और म्यूजिक भी एक मेन वो है इम्पोर्टेंट तो जब मेरे पास पहले कंप्यूटर आया तो मैंने काफ़ी म्यूजिक एक्सप्लोर करा तो म्यूजिक की हिस्ट्री से रिलेटेड क्या क्या म्यूजल्स उस समय के लोग बना रहे थे जो एल्बम्स कवर होते हैं वो सब तो उस समय और ऑर्कुड के टाइम था टू थाउजेंड सिक्स सेवन तो उसमें कम्युनिटी होती थी ठीक है तो मुझे लगता है काफी अच्छा डिस्कशन का प्लेटफॉर्म था क्योंकि वो डेडिकेटेड अलग अलग थ्रेड्स होते हैं तो एक टॉपिक के बाद बारे में यू कैन टॉक विध लॉट ऑफ पीपल जो कि एक ही एरिया से वो में लगता है फेसबुक में वो उतना नहीं हो पाया बट uh, वो एक अच्छा स्पेस था तो उस समय ना नए नए uh, जेलर्स uh, मतलब जानने को मिला था तो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक उस समय uh, मैं uh, साइड डांस वगैरह में म्यूजिक सुनता था तो उसमें वो लोग ना uh, uh, फ्लायर्स बनाते थे जो ऐसे फैक्टेलिक और अलग अलग जो उसमें फैक्टर्स आर्ट यूज करते हैं ठीक है तो मैं सोचा कि मैं भी बना सकता हूँ और ये मेरे काफी सही लगते हैं तो so, मैंने कुछ कुछ सॉफ्टवेयर यूज किए और फैक्टर्स uh, बनाना स्टार्ट किया उसको फोटोशॉप से अलग अलग इन्वामेंट के साथ में ना मैंने प्लीट करना चालू किया और वो चीज़ मैं डालता था डेवीन आर्ट पे ठीक है तो डेवियन आर्ट पे एक अलग कम्युनिटी बनी हुई yeah. है मतलब अनलाइक प्रिंटरेस्ट uh, और तो वो लोग काफ़ी एक्टिव थे और वो लोग हेल्प uh, भी करते थे He, mm, किस तरीके से यू यू कैन नो को अबाउट इट एंड तो जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें तो वो शेयर करते थे एक तरह से जैसे कोडिंग होती है ना प्रोसेसिंग में स्क्रिप्टिंग होती है तो उस तरह से उसमें पैरामीटर्स तो वो आप, 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 आप ना शेयर कर, कर सकते हो सकते हो मतलब ये चीजें जो, जो मतलब इंटरनेट पे वहां परिटर्न कोड शेयर किए होते थे कि जिसके अंदर से पैरामीटर्स चेंज करने होते थे ऐसे हाँ तो उसमें ना सॉफ्टवेयर की डेडिकेटेड कम्युनिटीज है ठीक है तो

वो काफ़ी अच्छा बन गया था अच्छा तो इस तरीके से मतलब मेरा विजुअल से कनेक्टेड रहा हमेशा फिर आगे हाँ एक और चीज़ जो है एजुकेशन से जो रिलेटेड थी कि फिफ्थ में ना मुझे ना होशनगाबाद साइंस प्रोजेक्ट करके एक कर, 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 बुक बोल सकते हैं उसको तो वो मैंने फिफ्थ में और सिक्स में पढ़ी ठीक है तो वो मुझे काफ़ी सही लगी क्योंकि बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट्स थे उसकी जो पढ़ाई थी जैसे मैथ्स वगैरह तो वो तो मुझे सन में बिल्कुल नहीं आता था बट ये ऐसी बुक थी जो कि मैं सेल्फ लर्न कर सकता था खुद के पेज से क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज uh, उस उससे एलस्ट्रेशन बनाए थे वो काफ़ी यू कैन नो लुक अराउंड योर सराउंड एंड यू कैन प्ले प्लेंग दोज इंस्ट्रक्शन कि अच्छा अभी आप बल्ब लो उसमें पानी भरो तो वो लेंस बन जाएगा तो वो मैं खुद कर सकता था चीज़ें अच्छा। तो वो मुझे लगा कि यार ये जो तो चीज़ है जिस तरीके से मैं एक्सपोज हुआ और मेरा जो वो था कितना चेंज हुआ है उसमें सिमिलरली अगर तुमने तो उस समय तरंग देखा हो तो उस समय दोहर पर ना काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स आते थे एजुकेशनल अच्छा तो उसमें से तरंग था और भी दो तीन थे जैसे कि साई जब एक बात करके कार्यक्रम होता था ठीक है तो वो लोगों ने ना उस समय काफी बच्चों के लिए काम किया क्योंकि तो एजुके एजुकेशन और इस तरह के काम थे तो मुझे लगता है कि वो एक हमेशा से एक सीट था दिमाग में कि अच्छा प्लेफुल मतलब लर्निंग हमेशा जरूरी ही हो कि एकदम क्लोज एड और उसमें उस तरह की जो ट्रेडिशनल वे उसके थ्रू हो और भी काफी अल्टरनेटिव जिसमें लर्निंग हो सकती है hmm. तो कि इसको आगे एक्सप्लोर किया जा सकता है बट टॉय एंड गेम डिजाइन जो है ये कन्वेंशनल सेंस में इसका मतलब क्या सिर्फ यही है क्या कि हमको सिर्फ चिल्ड्रंस के लिए कुछ टॉयज या गेम्स बनाना है हाँ uh. तो जब मैं फिर एन में जब मेरा हुआ ना तो उसमें पहला तो जो मेरा साल था वो तो यही समझने में लग गया कि डिजाइन क्या होता है मतलब क्यों करनी है तो जो मेरा जो डेंटिस्ट्री में जो काफ़ी एक गैप रह गया था मतलब कि नॉलेज कैसे बनता है व्हाट इज रियलिटी तो वो जो था वो उस समय मैंने काफ़ी एक्सप्लोर करा और मैं के जाता था जो लाइब्रेरी है और वहाँ जा करके नाम अलग अलग सेक्शन में आकर के फलोसफिकल बुक्स पढ़ता था कि अच्छा ये क्यों है मतलब मेडिकल की बुक्स मैंने काफ़ी पढ़ी उस समय अच्छा मेडिकल को बाकी से कैसा देखने है। मतलब, the, uh, तो फिर मैंने फिलोसफी ऑफ साइंस किया बोल रहा हूँ तो वो मैं क्यों बोलता हूँ ठीक है तो गेम्स uh, में काफी अच्छे बुक्स हैं इसके ऊपर एक बड़ी सी बुक्स भी जो की सर्जरी uh, के ऊपर थी जिसमें ना फुल रिजोल्यूशन वाले इलस्ट्रेशन uh, थे तो वो मैं को लगा यार ये सब चीज़ें भी इस तरीके से भी देखा जा सकता है मेडिकल एजुकेशन को तो वो सब काफ़ी सही लगा मुझे फिर कैसे बर्थ ऑफ क्लिनिक बाय की करके जिसमें और एक है ई बॉन की मेडिकल एम तो ये जो है मेडिकल की जो बुक्स मैंने जब मैंने पढ़ी तो मुझे मालूम पड़ा कि और भी तरीके हैं देखने के अम, एक डिसिप्लिन को तो पहले तो मैंने डिजाइन किया कि अच्छा डिज़ाइन की क्यों ज़रूरत है और क्या होता है डिज़ाइन क्या पहले भी हो रहा था जब डिज़ाइन कॉलेज स्टैब्लिश हुए से पहले क्या था फिर वो सब चलता रहा साथ में फिर बाद में मुझे अभी रिसेंटली मैंने एक्सप्लोर करा है कि अच्छा प्ले क्या होता है तब मैं मुझे एक बुक मिली थी डंस करके ठीक है तो वो काफी बोल सकते हैं एक बेस बना मेरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्ले का कि प्ले केवल बच्चों के लिए ही नहीं है समथिंग विच इज ओनली फन और समथिंग रिलेटेड टू फूड स्नैक्स बट इट इज मोर देन दैट तो वो काफी उसमें अलग अलग तरह चैप्टर्स हैं जो कि अच्छा। कल्चर से कनेक्ट किया है उस बुक में ये ब्रेन को एक चीज इस पे पूछनी थी ये हमेशा जब टॉय एंड गेम डिजाइन की बात आती है तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्ले आता है बीच बीच में जब ही डिजाइनर से बात करो तो वो प्ले को एज अ की वर्ड मद्देनजर रखते हुए बात ये इस बारे में थोड़ा बता सकते हो कि आप क्या होता है प्ले और आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है इसके बारे में तो अगेन प्ले भी ऐसे देखिए तो सब्जेक्टिव है बट मतलब उसको कोई डिफाइन ऐसा सच अभी हुआ नहीं exactly. mode, उसके है एग्जैक्टली गेम टॉयज आते हैं पजल्स का अक्सर आते हैं उनको फिर भी लोगों ने करा है डिफाइन बट uh, uh, मैं सबसे मतलब क्या होना चाहिए मतलब समथिंग यू डू मतलब फाइन तो होता ही है उसमें एलिमेंट बट साथ में उसमें एक तरह का डिस्कवरी और पर्पसलेसनेस uh, होती है मतलब यू नॉट नॉट्रेटेड अच्छा uh, एक सेंस ऑफ मतलब क्या नहीं मैं वही पूछ रहा था मतलब इसमें एक सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट जैसे आप कोई काम करने में गुजारते हो जो ट्रांस स्टेट बोलते हैं वो ऐसा है इसमें करेक्ट करेक्ट तो उसमें फ्लो भी है तो वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे जब मैं वो बुक पढ़ा ना तो उसमें काफी सारे अलग अलग आइडियाज थे प्ले को रिलेटेड बेसिकली ये है कि ह्यूमन प्ले और कल्चर का क्या है तो उसमें वार को भी वो कनेक्ट कर, कर, कर रहा है प्लेस है कि एक तरह जो वॉर भी है वो भी एक तरह का आ, प्लेफुल वो है मतलब क्या बोलेंगे इसको। आ, एक स्पेस, मतलब कुछ करना तो चाहिए मतलब बैठे बैठे क्या करेगा तो कुछ तो करेगा ही तो ये बाकी जो भी एक्टिविटी है वो एक वो कंसेप्ट है उसमें प्ले का जैसे इंडियन कंसेप्ट में भी काफी अपन यूज करते हैं ना प्लेफुल है ट्रेडिशनली भी तो मतलब रिलीजियसली स्पिरिचुअली भी कुछ कनेक्ट किया है और

देखता हूँ आप अपने काम के बारे में थोड़ा सा बताइए लेकिन मैं पूछ रहा था आ, कि ये कन्वेंशनल सेंस में के लिए है कि नहीं है और अगर ये चिल्ड्रंस के लिए नहीं है या किसी और टारगेट ऑडियंस के लिए है तो आपका इसमें आप प्ले का कंसेप्ट या टॉय गेम डिजाइन को कैसे इंटीग्रेट कर दो आपके काम में तो दो तरीके से जो तो मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट वो और जो एक जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं ठीक है तो कमर्शियल प्रोजेक्ट तो ब्रीफ काफ़ी टाइट होता है उसमें काफ़ी चीज़ें फिक्स होती है कि अच्छा एज ग्रुप ये होगा ये आपका लर्निंग ऑफ कम होने चाहिए और इस तरीके से उसमें चीज़ें जो है आ, मतलब इतने टाइम में जो भी कुछ है उसमें लिमिटेशन फिक्स होती है बट पर्सनल प्रोजेक्ट में आप खुद का सेट कर सकते हो और ज़रूरी नहीं है उसमें ऑडियंस हो तो आ, जैसे कि जो भी मैं बना रहा हूँ तो वो कोई भी कंज्यूम कर सकता है तो मैं मैं इतना ज़्यादा मतलब क्या बोलेंगे उसको

टू प्ले पबजी ऑल द टाइम मतलब वो एक अलग ही एक जोन बन जाता है वेयर यू कॉन्ट स्टॉप प्लेइंग गेम एंड ऑल्सो देर आर गेम्स जो इतने ज्यादा इमर्सिव होते हैं कि छोटे बच्चे लाइक डे जस्ट लव स्वाइपिंग फॉर एग्जाम्पल कोकोमेलन के वीडियो थे सो इंगेजिंग दैट किट वुड नॉट वॉन्ट टू टेक देयर आइज ऑफ डू यू फील दैट के वो थोड़ा कॉन्शियसनेस होनी चाहिए डिजाइनर्स में वाइल देयर डिजाइनिंग स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ठीक है मेरे को डिजाइन तो बनाना है मतलब ऑब्वियसली वो एक कमर्शियल वो भी आता है कि नहीं हमको एक इमरसिव डिजाइन बनाना है बट आई थिंक अभी वो है क्या कॉन्शियसनेस के जैसे आजकल गेम्स है जिससे कि थोड़ा स्क्रीन टाइम को रिस्ट्रिक्ट भी कर पाते हैं हम लोग राइट ऐसे भी गेम्स आ गए हैं तो वट डू यू थिंक अबाउट दैट दैट कॉन्शियसनेस ऑफ डिजाइनिंग समथिंग फॉर द गुड तो डिजाइन इन जनरल उसमें काफी अभी क्रिटिकल परस्पेक्टिव लोग अभी लेके आ रहे हैं तो उस तरीके से गेम्स में भी है बट गेम एज ए मतलब बोलेंगे डिजाइन डिस्प्रीन इतना कॉन्क्रीट नहीं है मतलब उसके जो रूल्स हैं और किस इस तरीके से उसको बनाना चाहिए वो मेरे लगता है बाकी जेनरिक डिजाइन में भी जिस भी अपने जो प्रोसेस की बात करते हैं वो सेम चीज होती है उसमें भी बट काफी कुछ स्पेस है जो कि प्ले uh, uh, में इतना uh, वो नहीं है मतलब क्या बोलेंगे इसको वी कैन नॉट टिक टू दू नो प्रोसेस तो उस तरीके से ना अगर मैं कोई टॉय बना रहा हूँ तो जरूरी नहीं है कि जो अ, मेरा ऑडियंस उसको उसी तरीके से यूज करेगा जो मेरा इंटेंशन है तो अब जैसे कि काफी सारे गेम्स जो है ना जैसे कि अब है और ये सब मैं खेलता था तो जो उसमें स्ट्रेटजीज होती थी जिस तरीके से उसमें अ, वो होता है ना क्या बनेंगे उसको आपको कुछ कुछ चीजें करनी होती है एक लेवल पार करने के लिए वो वो नहीं करता था मैं उसमें रेंडमली लोगों से बात कर रहा हूँ सिटी को एक्सप्लोर कर रहा हूँ कुछ ऐसी चीजें करता था तो वो इंटेंट है नहीं है वो है। तो वो एक्चुअली या yeah, है या नहीं आई एम बट मैं तो वो नहीं करता था जो कि इसमें है टॉयज के साथ भी ऐसा ही कई बार जिस तरीके से आपने डिजाइन किया और वो आपने जब टेस्ट किया हो तो एकदम अलग ही कुछ यू you नो know?

हुआ नहीं है सच मतलब लेटेस्ट जब होता है ना तब काफी कुछ हुआ है कि जिस तरीके से लेती गया वो पूरा शटर शेट, हो गया फिर स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि वैसे थे नहीं ऑडियंस उसमें इन्वॉल्व तो वो होता है तो डेफिनेटली लेकिन प्रेरित मतलब मेरे को ये भी जानना था आपके जवाब से मुझे को ये सवाल आया मतलब तनुजा जब पूछ रही थी उसका क्वेश्चन तभी मेरे को क्लिक हुआ ये इसमें दो चीज़ें हैं एक तो टॉय एंड गेम डिज़ाइन जो है वो बाकी डिसिप्लिन से अलग कैसे है बाकी डिजाइन डिसिप्लिन से एज इन टॉयज या जो डिजिटल एप्लीकेशन हैं वो यू आई यू एस डिज़ाइनर्स और प्रोडक्ट डिजाइनर्स भी डिज़ाइन करते हैं जहाँ पे वो प्ले का कॉन्सेप्ट और ग्रेटिफिकेशन और गेमिफिकेशन कॉन्सप्ट भी यूज़ करते हैं और टॉय एंड गेम डिजाइनर्स भी कई दफ़ा उनके काम में ऐसे चीज़ें डिज़ाइन करते हैं तो फिर इसमें डिफरेंस क्या हुआ फिर ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं मतलब कि बाकी जो यू एक्स डिज़ाइन है अल्टीमेटली गेम डिजाइन भी एक तरह का यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन ही है पर इसमें प्लेफुलनेस एक चीज़ आती थी है जिसमें आप चारों के एंगेजमेंट बढ़ जाए तो गेमिफिकेशन एक ऐसा वो है एस्पेक्ट है जो भी यू एक्स डिजाइनर यूज करते हैं तो वो लोग गेम के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो ले लेते हैं मतलब जो जिसको जिससे वो एंगेजमेंट बढ़ रहा है और वो उसको अप्लाई करते हैं उनके प्रोडक्ट में बट जरूरी नहीं है कि गेम ऐसा हो जिस तरीके से उसको आ, मतलब ऊपर से लेयरिंग किया जाए बट जब गेम बनता है तो वो बाकी से बनता है जैसे कि अब अगर कोई प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है कि उसको अगर प्लेफुल बनाना है तो आर यूज टू वे या तो मैं उसको ऊपर से जो है गेबी फायर कर दू या फिर कैच उसका जो बेस है ना वही प्लेफुल हो तो अब जैसे कि जो एजुकेशनल गेम्स होते हैं ना तो वो जनरली ऐसा होता है कि उनके पास एक लर्निंग बोर्ड फिक्स है कि अच्छा मजा ये पर्टिकुलर चीज सिखानी है और उसके ऊपर से थीम डाल दो गेम की बट uh, मुझे लगता है कि मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट इसमें कि मैं गेम बनाऊ और उसमें थीम डाल दू सब्जेक्ट्स की इट वर्क अल्टीमेटली अब आप, आप गेम्स ही बना रहे हो क्योंकि आपको इस तरीके से चीजों को पढ़ाना है कि तो यूजर इसको पता आना पड़े कि आप क्या पढ़ा रहे हो so, यूजर बोलेगा कि यार ये तो मैं मैं भी अगर कोई गेम खेल रहा हूँ तो मालूम पड़ा है कि अच्छा ये तो मैं ये सीख रहा हूँ तो आपको ना वो लगेगा ये तो पढ़ाने आ गया पढ़ने आ गया क्या मैं तो वो शायद मेरे को लगता है कि अगर वो हटा भी जाए ना कि मालूम नहीं पड़े यूजर को किया वो क्या है और वो खुद ही अपने आप सीख जाए तो वो गेम के मैके मैके तो बेटर है और वो थोड़ा मुश्किल भी रहता है वो गेम बेस्ड लर्निंग पैराइव करना क्योंकि तो गेमेशन इज ईजी क्योंकि तो इसमें आपको फिक्स पता है कि आपको जो पॉइंट्स है या फिर अपने लीडर बोर्ड्स बना दिए रिवॉर्ड्स दे दिए बट इसमें आपको थोड़ा तो तो टाइम और ज़्यादा सर्टिनिटी इतनी है नहीं कि वैसा निकलेगा कि नहीं आप

तो तो ये ये ठीक तो है टॉय एंड गेम डिजाइन हम बात करेंगे लेकिन मेरे को ये भी जानना था कि आपका जो क्रिएशन का प्रोसेस है वो कैसा होता है आप आर्टिस्ट आप भी हो तो आपके आर्ट बनाने की प्रोसेस कैसा है आप कैसे इंस्पिरेशन कहाँ से देते हो और कैसे उसको अप्रोच करते हो यार ऐसे तो मैं इंस्पिरेशन तो काफी सही जगह है मेरे, मेरा जो और बाकी अलग जो जो भी सोशल मीडिया यूज करता हूँ

आइडिया जो रीशअप था वो लॉस हो जाता है मैं इसको वो याद याद ही नहीं कर पाता कि मैंने क्या सोचा था तो वैसा नहीं होता है बट यही इंस्पिरेशन जो है वो जरूरी नहीं कि आप एक चीज से आए मतलब अगर मैं गेम बना रहा हूँ तो उसका आइडिया कहीं एक इमेज भी आ सकता है सिंगल इमेज से, से, से या फिर कोई भी म्यूजिक सुन रहा हूँ तब आ गया या फिर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तब आ गया तो वो उस तरीके का है और फिर अब मैं इसको अब मैं लिखने लग गया हूँ कि अच्छा ये 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 है इसको ऐसे करेंट करना है अच्छा डियर या सो द काइंड ऑफ वर्क दैट यू डू ऐसे होता है क्या कि जब आप अपना जो बना रहे हो तो डज इट कम स्पोंटेनियसली बिकॉज़ आई सॉ इट फेल्ट यू नो कि ऐसा बहुत दिल से निकल रहा है तो डज इट कम स्पोंटेनियसली और डू यू पुट अ लॉट ऑफ थॉट एंड रिसर्च बिहाइंड एवरी वर्क दैट यू डू लाइक तो मेरा इंस्टाग्राम दो दे फील वेरी इंट्यूटिव राइट तो मेरा काफ़ी मीडियम बेस्ड अप्रोच है कि पहले मीडियम को मैं अच्छे से समझता हूँ और उसके साथ अगर मैं खेल रहा हूँ ना तो, तो उससे कैनिकल क्या आ रहे हैं ठीक है तो जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो तो आपके दिमाग में होता ही है तो जब आप उससे मीडियम के साथ में प्ले कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली जो स्ट्रक्चर फॉर्म्स है वो एमर्ज हो जाते हैं उसमें से तो वो फ्लो स्टेट में तो वो ऐसा लगता नहीं है कि मैं ना कुछ उसमें कर रहा हूँ अगर उसमें जब पड़ती है तो मैं ऑब्वियसली यूट्यूब पर रिसर्च बट वो रिसर्च जो है वो काफ़ी इनकेटिव आती है आपको जो लग रहा है वो आप लेते जाते हो और वो फिर वो यू बिल्ड ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर बट एक्सपेरिमेंट कैसे करते हो आप मतलब आपका काम इतना एक्सपेरिमेंटल है हर काम दूसरे काम से बहुत ज्यादा अलग होता है तो फिर ये एक्सपेरिमेंट कॉन्शियसली आप कैसे कर सकते हो मतलब इस प्रोसेस को कॉन्शियसली ब्रेक कर सकते हो क्या आप हमारे लिए भी और लिसनर्स के लिए भी इन एक्सपेरिमेंट का बेसिक मतलब ये होता है कि एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है मतलब मतलब अः आप भी कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हो ना एज ए डिजाइन राइट और आपको अगर कुछ चीज लगा और आप उससे इंस्पायर होगा तो आपको वो चीज चीजेंट करना है अपने उस, अपने काम में तो जब वो करते हो तो वो आपकी तो नया हो गया तो आपकी तो वही है वो मैं तो आपने जो भी है अलग है तो आपको वो रहता है मतलब कि यार मैं जितना भी कुछ समझ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ सुन तो रहा हूँ उसको किस किसी तरीके से मैं उसका जो एक एसेंस है वो लेके आऊ काम में तो मुझे लगता है सभी चीज वो करते हैं तो डिपेंड करता है आपका कितना एक्सपोजर है अब जैसे कि अभी अगर मैं कुछ काम देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अरे देखा हुआ है वैसे बार बार हो रहा है इसका मतलब है कि आप वही चीज उसी स्पेस में आओ जिससे आप अगर मैं कुछ ऐसा होता है कि अगर मैं कुछ नया काम देखता हूँ उसी का अगर मेरे को लगता है कि यार ये तो कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंटल है इसका मतलब है मैं उस स्पेस में नहीं हूं शायद क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो कहीं ना कहीं से तो आया है ना इट्स नॉट समथिंग ऑल समू सडन

क्योंकि अपन भी तो यूजर ही हैं राइट right. तो मतलब था इस तरह की अपन ऐसे डेवलप कर सकते हैं कि अच्छा ये ये चीजें हो रही हैं तो वो भी ही रहेगा एक एज ए फॉर्मेट और ऊपर से जब से ए आया है तब से तो इमेजेस का और विजुअल्स का भंडार आन पड़ा है पूरा पे पूरा एक्सप्लेन राइट आप यूज करते हो ए आई ए आई मैंने यूज किया बट ना uh, मुझे एक तो मजा नहीं आया पता नहीं और ऐसा नहीं कि जो ए आई जनरेटेड इमेजेस मुझे पसंद नहीं है बट तो उसके लिए भी आपको अच्छा प्रॉम्प्ट आना चाहिए वो भी अपने आप में मेरा तो बेसिक प्रॉब्लम यही थी मैं अगर मैं लिख लेता उसको अच्छे से तो फिर मैं आर्टिस्ट क्यों होता मतलब मैं विजुलाइज अच्छे से कर लेता हूँ जब मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ ना तो वो वो इमेज जनरेट नहीं कर पाता जो मैं सोच रहा हूँ तो या मुझे पहले उसको समझना पड़ेगा ए को कि वो कैसे काम कर रहा है और उसको मैं तब जाके वो कुछ बनेगा तो शायद दो टाइम मुझे देना पड़ेगा उसको समझने के लिए राइट 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 देखो कुछ पूछ रहे थे नजर नहीं मेरे को बहुत ऐसे I'm I'm really happy to listen to you it it's really very wholesome मेरे को ये भी जानना था आप क्रोशे भी करते हो ये क्रोशे का आपको कहाँ से शौक है हाँ. आप ये कैसे right तो क्रोशे का ऐसा है कि again कि मेरी मम्मी जब बचपन में मैं, मैं, मैं देखता था उनको लिटिंग करते हुए ठीक है और उनके पास ना पुरानी बहुत सारी ना तीस साल पुरानी ना एक डब्बा है जिसके अंदर बहुत सारा ऊन था और उसमें हुक्म मिला मुझे खुरोशे का और बहुत सारी नीडल्स नीडल्स नीडल भी तो मेरे को लगता है कि इसका कुछ मतलब वो जो बनता है ना वो किस तरीके से एक छोटे से थ्रेड से पूरा का पूरा फॉर्म बन जाता है पूरी शीट बन जाती है टेक्सटाइल बन जाता है तो वो मुझे था और वो जिस तरह से मूव होता है ना नीडल्स और ये सब वो काफ़ी रिदमिक है वो मेरे को मज़ा आता था और फिर मेरी जूनियर भी है वो भी चॉइस वगैरह बनाती थी उसको uh, hmm. एमी गुरोमी बोलते हैं अच्छा तो मुझे लगा यार ये किसी स्ट्रेट यारे ना पूरा फॉर्म बन जाता है तो मुझे भी काफी कुछ करना है तो मैंने स्टार्ट किया बट वो फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि उसका लर्निंग कब ज्यादा हो रहा है था अच्छा, मुझे, मुझे लगा तो नहीं होगा फिर तो जब लॉकडाउन हुआ तब मैंने पिकअप किया कि ठीक है अभी करते हैं धीरे धीरे करके करेंगे फिर धीरे धीरे करके मैंने एक बॉल बनाया उससे वो खराब बना पायाचली फिर मैंने धीरे धीरे करके और उसको मतलब तो प्रैक्टिस होती है स्किल तो वो धीरे धीरे करके फिर होता गया तो बट ये काफी मैथमेटिकल है मेरे को लगा तो कि यार ये तो काफी है और मैं कर लूंगा बट फिर वो आपको एक स्टिच को ना अगर तो कोई फॉर्म देना तो पता होना चाहिए कि ना कब कितना नंबर होना चाहिए उसका तब जाके वो फॉर्म आएगा तो अब, अब मैं इसके कुछ कुछ पैटर्न भी खुद सोच रहा हूँ अब लिखूँ तो मैं ये पूछ रहा था आपको आप एनजीओ के साथ में काम करते हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है आप किस एनजीओ किन एनजीओ के साथ में किन टाइप के एनजीओ के साथ में काम करते हो और एन के साथ में और कॉर्पोरेट्स के साथ में काम करने में कुछ फर्क होता है और आप उसके बारे में बताइए तो मेरा ज्यादा एक्सपोज़र नहीं है इन टर्म्स ऑफ एन जी और ये तो आ, बट आ, जितना भी है मतलब उसमें कह सकता है कि एनजीओ काफी इनिशियली मुझे कि क्या होता होगा क्योंकि uh, मैंने मुझे सोशल वर्क और जो ग्राउंड वर्क है उसको समझने में और एजुकेशन को समझने में काफ़ी उस समय था क्योंकि मेरा सिस्टम डिज़ाइन भी अल्टरनेटिव एजुकेशन पे था तो मुझे लगा कि अच्छा ग्राउंड मिलेगा मुझे वो नो प्रैक्टिस करने को बट फिर जो आइडिया वहाँ का कंपनीज uh, में होता है कि वॉट डिज़ाइन एज वो काफ़ी अलग अलग था वो तो मुझे मालूम पड़ा कि अच्छा और भी काफ़ी सारे अलग अलग टीम्स होती हैं क्योंकि मेरा तो डेंटिस्ट्री के बाद में कुछ एक्सपोजर था ही नहीं इंडस्ट्री के तो हॉस्पिटल में काम करना तो उसमें तो जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो तो एक एक्सेप्शन होता है बाकी ओपीडी होता है और बाकी जो उसके स्पेशलाइजेशन के होते हैं वो तो मेरा ज्यादा कॉन्टेक्ट डायरेक्ट पेशेंट से होता था ठीक है बट जब बाकी जो दूसरी कंपनीज होती है ना उसमें तो अलग अलग डिजाइन टीम अलग है टेक टीम अलग है और फिर एक जो है वो क्या बोलेंगे उसको लॉजिस्टिक अलग है तो काफी सारे अलग अलग वो हैं उनके उनके साथ में डील कर रहा होता है तो मुझे लगता है कि वो अच्छा एक एक्सपोजर था कि किस तरीके से टीम में काम होता है और जब ग्राउंड पे जाते हैं तो क्या क्या ऐसे प्रैक्टिकल चीजें होती हैं जो कि मुझे लगता है कि यू नो इजी है बट वो आप पर जाके मालूम पड़ता है कि अच्छा अब सारे प्रॉब्लम जो कि फिजिबल नहीं है कंडक्ट करना ऑन ग्राउंड तो वो मेरे को एक अच्छा वो मिला पॉइंट और किस तरीके से वी सी एज ए मतलब जैसे एज ए नो एन कैसे देखता है ग्राउंड पे सोशल वर्क को

तो ये था, था और क्या बता रहा था मैं हाँ मैं इसके बारे में बताता हूँ कि मैं जब आई में गया ना तो सब मैं काफ़ी सारे थे तो मुझे पता नहीं था कि अच्छा डिजाइन में क्या होता है और एन क्या है डिजाइन क्या है तो मैं ना सबकी क्लास में चले जाता था कि अच्छा वो क्या रहा है यहाँ पर तो मैं फोटोग्राफी की डिजाइन में भी क्लास में जाता था तो मुझे वो काफ़ी सही लगा मतलब वो इनिशियल जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि अच्छा लाइफ स्टाइल एक्सरी डिजाइन वाले लोग क्या कर रहे हैं तो वो मुझे काफ़ी सही लगा कि अलग अलग अप्रोचेस क्या हैं और क्या क्या चल रही हैं तो वो मतलब तो लगता करने में मैं काफ़ी हेल्प किया वो एक सही था और व्हाट वॉज यू क्वेश्चन मैं वो पूछ रहा था एन जी साथ के, के साथ में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका एन जी साथ में आपने क्यों डिसाइड किया काम करने का हाँ तो यही था कि सोशल uh, मतलब वो ग्राउंड समझना था कि क्या है वो एक रहता है ना सब आर्टिस्ट और डिजाइनर की टू अंडरस्टैंड गोइंग ऑन एट द ग्राउंड लेवल तो लगता है कि um, उस वजह से एनजीओ अटैक करता है और वो फ्रीडम देता है एक तरह की कि आप उसमें कुछ कुछ कर सकते हो आप ओनरशिप ले सकते हो mm -hmm. प्रेरित अभी आप अभी क्या कर रहे हो मतलब आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हो आप mm -hmm. तो मैं अगेन ना इंटरेक्टिव और स्टोरी टेलिंग के साथ में कुछ कर रहा हूँ तो अभी काफ़ी सारे गेम्स तो हैं बट गेम्स और आर्ट के बीच में कुछ कुछ सोच रहा हूँ कि किस तरीके से सेम कर सकते हैं इन्वामेंट्स को और अभी जो करंट जो मेरे को लगता है जो मैं डील कर रहा हूँ जैसे आप डिस्ट्रेक्शन में डील कर रहा हूँ वो ज़्यादा इनफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है तो उसको मैं कैसे रिस्पॉन्स दूंगा यूजिंग इंटरेक्टिव मीडियम तो मैं उस पर कुछ कुछ सोच रहा हूँ कि इस तरीके से वो मैं देखूज को मतलब अपन सभी फेस कर रहे हैं नो uh, no, एक तरह की वो वो या ओवर so, well yeah. really sort of yeah, uh, दोस्त भी सिमिलर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था एंड वही है वो स्पेशली बट वो एडीएचडी के लोगों के लिए काम कर रहा था बिकॉज वो बहुत जल्दी स्टिमुलेट हो जाते हैं हर चीज से एंड एंड इवन लाइक व्हेन आई एम अननोइड और समथिंग एंड जीमेल के जब स्टूपिड ईमेलर्स uh, आते हैं ना वो लाइक like, प्रमोशनल वाले एंड आई डोंट वांट दैट आई जस्ट वांट टू सी सर्टेन नोटिफिकेशन आई डोंट वांट टू सी ऑल द नोट मतलब इट्स जस्ट टू ओवरवेलमिंग नाउ सो या आई थिंक इट्स नॉट जस्ट पीपल विद एडीएचडी आई थिंक इट्स द प्रॉब्लम विद एवरीवन अंकल तो डिजाइन भी काफी सारे ट्रेंड्स भी नए आ रहे हैं नया एंटी डिजाइन सुना है नहीं एंटी अब रहा अब लो मतलब ऐसा ना कि डिजाइन शुड विजिबल टेक्स्ट होना चाहिए ताकि उसको इजीली रीडेबल हो बट अब एंटी डिजाइन में जो काफी उस तरह तो की डिजाइन आनी है जो कि रीडेबल नहीं हो तो बट वो कमर्शियली ऐसा आपको लगेगा कि यारेस्टोरेंट होना नहीं चाहिए व्हाट शुड बी अ गुड डिजाइन तो वो

well i think is in it it's it's kind of an object meme jo ki joke hai wo ison ke up we are not going of efficiency or utility so wo 3d meme hai thoda sa new type ka sir yes but mujhe ache lagte hain unke kuch kuch products to be honest ha ha they were it has bad value yeah

कॉन्वर्जेशन uh, पूरे तो नहीं हो पाते हैं। ये सब तो अधूरे रह जाते हैं लेकिन अगली बार फिर कभी फिर एपिसोड पे कभी आपसे और डिटेल में आपके काम के बारे में बात करेंगे थैंक यू प्रेरित बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके वेरी गुड